नुह के उपायुक्त धीरेंद्र खटगटा ने कहा है कि जिले में वर्तमान में किसी भी सामाजिक अथवा राजनीतिक प्रतिमंडल को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई है। जिले में अभी स्थिति सामान्य तथा नियंत्रित है, लेकिन स्थिति की संवेदनशीलता को देखते हुए जिला प्रशासन किसी प्रकार का जोखिम नहीं उठाना चाहता। यदि कोई प्रतिनिधिमंडल जिला प्रशासन से मिलकर बात करना चाहता है तो आकर हमसे बात कर सकते हैं। यह जानकारी आज उन्होंने अपने कार्यालय में दी। उन्होंने राजनीतिक दलों से आग्रह किया है कि अभी उनका नुह आना उचित नहीं है। जिले में स्थिति धीरे धीरे सामान्य हो रही है और यहाँ की जनता एक दूसरे के साथ शांति वार्ता करते हुए अन्य लोगों को भी कानून व्यवस्था बनाए रखने को लेकर प्रेरित कर रही है। जिला में दुकान आदि भी धीरे धीरे अब खुल रही हैं और लोग आपस में बातचीत बैठकर कर रहे हैं। कुल मिलाकर एक बार फिर जिला पहले की तरह सामान्य होने की दिशा में अग्रसर है। वहीं आपको बता दें कि ब्रजमंडल हिंसा के दौरान लोगों की संपत्ति के हुए नुकसान की भरपाई को लेकर राज्य सरकार द्वारा ई क्षतिपूर्ति पोर्टल शुरू कर दिया गया है और लोग इस पोर्टल पर जाकर आवश्यक दस्तावेज अपलोड करते हुए आवेदन कर सकते हैं। किसी भी प्रकार की समस्या आने पर संबंधित एसडीएम कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है। आप देख रहे हैं नुहमिवास से लियाकत अली की रिपोर्ट। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। उसको परमिशन दी गई, किसी भी डेलीगेशन को परमिशन नहीं दी गई है। मैं आपको बताना चाहूँगा, क्लियर करना चाहूँगा। हमने सभी पॉलिटिकल पार्टीज को ये कहा है कि देखिए अभी सेंसिटिव है, हम किसी तरह की आपको अलाउ नहीं करना चाहते। अगर आपको प्रशासन से बात करनी तो वी कैन मीट एट द रेस्ट हाउस। थैंक यू, थैंक यू। देखिए नू हिंसा के बारे में अभी तक तो ये है कि हमारा जो पुलिस की तरफ से एक्शंस लगातार जारी है, जहाँ भी हमको मिलता है सूचना उस पर हमारी रेड पार्टी गई हुई है और रेड करके जो कल्प्रिट्स हैं उनको पकड़ रहे हैं। साथ ही साथ रिगार्डिंग द सिचुएशन इन नू, इट्स गेटिंग बैक टू द नॉर्मल। पीपल आर ओपनिंग द शॉप्स, लोग आपस में बैठ रहे हैं। वी आर टेकिंग अप द पीस कमिटी मीटिंग्स एंड इट्स कमिंग बैक टू द नॉर्मल एंड वी आर होपिंग इन कमिंग टाइम्स थिंग्स गेट मोर बैक टू द नॉर्मल एंड वील बी ओपनिंग अप द मोर एरियाज। सर, जो डेलीगेशन आ रहे हैं पॉलिटिकल पार्टीज के, उनको लेके क्या परमिशन दी गई है या क्या उनको? देखिए हम सभी पॉलिटिकल पार्टी से एक ही आग्रह करना चाहेंगे कि आपका अभी मेवात में आना उचित नहीं है, क्योंकि अभी जो सिचुएशंस हैं धीरे धीरे नॉर्मलाइजेशन की तरफ आ रही है। मेवात के जो जनता है वो आपस में खुद मिलके पीस डायलॉग कर रही है और लगातार वो खुद ना सिर्फ प्रशासन के इंटरवेंशन से बल्कि अपने लेवल पे भी पंचायतें वो कर रही हैं एंड दे आर डूइंग द थिंग्स। मेरा आप सबसे रहेगा कि एक बार हालात सामान्य होने दीजिए, देन यू कैन कम ओवर विद सोशल डेलीगेशन, पॉलिटिकल डेलीगेशन, इवन इंडिविजुअल्स आर वेलकम ओवर देयर फॉर एनी काइंड ऑफ एक्टिविटीज। सर, कुछ वॉइस मैसेजेस या वीडियो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हो रहे हैं, उसको लेकर क्या आप लोग स्टेप्स ले रहे हैं? देखिए आर सोशल मीडिया टीम बोथ एट द एडमिनिस्ट्रेशन लेवल एंड द पुलिस लेवल आर मॉनिटरिंग द थिंग्स। वी हैव गॉट वन APRO रिगार्डिंग मॉनिटरिंग ऑफ द सोशल मीडिया टीम। Further, the police has also taken it with the social media investigation team. They are regularly monitoring. They are taking into the cognizance of all such offensive video and will proceed as per the directions of the Supreme Court where any offensive thing has been placed on record. So, yehi batana chahunga. It's a part of investigation of the police team. So, they are working on it. The government agencies are taking into cognizance all kind of videos which were there. And they are coming to an inference. Let it be done in the charge sheet also. Let it be done in the court also. So I am not competent to explain all these things. Sir, आखिरी सवाल, अभी तक कोई डाटा निकल कर आया कि कितनी गाड़ियां जली थी, कितनी प्रॉपर्टीज को लॉस नुकसान हुआ है? That we are collecting. We have made a क्षतिपूर्ति portal over there. Anyone whose anything has been destroyed in the violence will obviously can update all the things on the portal. और उसमें आपका जितना भी नुकसान है उसका जायजा लिया जाएगा, देन उसके बाद आपको मुआवजा देंगे। सर, व्हाट वाज द या जो डॉक्यूमेंट क्या फेक उन्होंने बनाए हैं उसको लेके कोई किसी तरीके की ड्राइव? द होम मिनिस्ट्री, द होम मिनिस्ट्री इज वर्किंग ऑन दैट थिंग एंड ऑल काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स आर बीइंग इशूड बाय द यूनिट 84।
regarding any involvement in kind of any activity. So whether any person is Indian or he is a refugee, if he engages in any kind of activity which is against the constitutional law, the law will take its course. सर ऐसी भी खबरें हैं कि राजस्थान से दंगाई जो है वो नूह की तरफ आए थे जिस दिन दंगा यहाँ पे हुआ उसको लेकर इन्वेस्टिगेशन किया इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड आई डोंट वांट टू गिव एनी काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दैट बिकॉज इट्स बीइंग डन बाय द पुलिस डिपार्टमेंट एंड द इन्वेस्टिगेशन एजेंसी मैं सर अभी तक हिंसा में क्या लगता है कि जो लोकल लोग थे वही शामिल थे या बाहरी लोगों का आने का इन्वॉल्वमेंट है कि एक बड़ी संख्या में देखा जाए तो भारत से डिवोटीज भी आए थे यहाँ पर तो कौन लोग थे जिन्होंने पूरी हिंसा को अंजाम दिया अभी तक शुरुआती जांच में क्या निकल रहा है मैं आपको यही बताना चाहूंगा इट्स अ पार्ट ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऑफ द पुलिस टीम सो दे आर वर्किंग ऑन टीम द गवर्नमेंट एजेंसीज आर टेकिंग टू कॉग्निजेंस ऑल काइंड ऑफ वीडियोज विच वर देयर एंड दे आर कमिंग टू इन्फ्रेंस लेट इट बी डन इन द चार्जशीट ऑल्सो लेट इट बी डन इन द कोर्ट ऑल्सो सो आई एम नॉट कॉम्पिटेंट टू एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स सर आखिरी सवाल अभी तक कोई डाटा निकल कर आया कि कितनी गाड़ियां जली थी कितनी प्रॉपर्टीज को लॉस नुकसान हुआ है दैट वी आर कलेक्टिंग वी हैव मेड अ क्षतिपूर्ति पोर्टल ओवर देयर एनीवन हुज एनीथिंग हैज बीन डिस्ट्रॉयड इन द वायलेंस विल ऑब्वियसली कैन अपडेट ऑल द थिंग्स ऑन द पोर्टल और उसमें आपका जितना भी नुकसान है उसका जायजा लिया जाएगा देन उसके बाद आपको मुआवजा